హలో ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ శుభ్ర. వెల్కమ్ టు సలాడ్ అండ్ ఫుడ్. ఆజ్ మే బనానే వాలి హూ మలాబార్ పరాఠా. యీ బహుత్ హీ లచ్చేదార్ అండ్ క్రిస్పీ హోగా. తో చలియే బనాతే హై మలాబార్ పరాఠా. ఇస్మే జో లగ్నే వాలే ఇంగ్రీడియంట్స్ హై వో కుచ్ ఇస్ తరహ సే హై. ఆప్ ఏక్ నజర్ ఇంగ్రీడియంట్స్ పే డాలియే. పహలే ఏక్ బౌల్ మే మైదా యాడ్ కరెంగే ఔర్ ఉస్మే థోడా యాడ్ కరెంగే సాల్ట్, शुगर और थोड़ा सा हम स्मूथनेस के लिए ऑयल ऐड करेंगे. सारे मिक्सचर को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करके डो बनाएंगे. थोड़ा थोड़ा पानी डालकर डो बनाना बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो बहुत सॉफ्ट हो सकता है एंड बहुत कम पानी डालेंगे तो हार्ड हो सकता है. इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें डो बनाना है ताकि अच्छा स्मूथ और सॉफ्ट डो रेडी हो सके. ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम डो बनाएंगे. आटे को अच्छी तरह से गूँथेंगे. ऑयल ऐड करने का रीज़न है कि ज़्यादा स्टिकी ना हो एंड हमें लच्छे पराठे को थोड़ा क्रिस्पी बनाना है, इसलिए हमने उसमें ऑयल ऐड किया है. एंड डो बन जाने के बाद हम इसे ढक कर 30 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे रेस्ट पे. रेस्ट पे रखने से इसमें थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी. थर्टी मिनट्स रेस्ट के बाद हम आटे को थोड़ा और ऑयल लगाकर गूँथेंगे. आटे को हम गूँथेंगे और गूँथने की यही ट्रेडिशनल टेक्निक यूज़ करेंगे इस तरह से. इससे आटा बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है. देखिए, हमारा डो बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया. बहुत ही सॉफ्ट है, स्मूथ है, जैसा हमें चाहिए जो टेक्सचर वो है. अब हम थोड़ा डो लेकर डो बॉल यानी कि पेड़े बना लेंगे. कुछ इस तरह से पेड़े बनाकर हम उसे रोल करेंगे. यदि स्टिकी लग रहा हो तो हम बीच बीच में थोड़ा सूखा आटा लेकर रोल करेंगे. रोल करके हमें एक थिन चपाती या राउंड रोटी का शेप बनाना है. मैदे की खासियत ये होती है कि जब हम इसका डो बनाते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ तो बनता ही है, और जब हम इसमें ऑयल ऐड करके बनाते हैं तो ये स्टिकी भी नहीं होता है और हम जितना चाहे उतना बड़ा रोल कर सकते हैं. हम इसे थिन रोल करेंगे और अप्रॉक्सीमेट 7 to 8 इंच की बड़ी रोटी बना लेंगे. अब हम इस पे घी अप्लाई करेंगे. ब्रश की मदद से घी अप्लाई कर देंगे बहुत अच्छी तरह से एंड घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे. और घी अप्लाई करने के बाद हम पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की मदद से हम उसे ऐसे कुछ स्ट्रिप बना लेंगे. वैसे तो हम इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, मगर ऐसे हम यदि स्ट्रिप बना के मलाबार पराठा बनाते हैं तो उसका लच्छा बहुत ही अच्छा आता है और मलाबार पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है. यदि हम पिज़्ज़ा कटर से स्ट्रिप्स बनाते हैं तो ये उस पर स्मूथली रोल होता है एंड स्ट्रिप तैयार हो जाती है. एक बार सारे स्ट्रिप रेडी होने के बाद हम इसे एक्यूमुलेट कर लेंगे. सारे स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर लेंगे और एक लेंथ में हम उसे ऐसे रख लेंगे और फिर से हम ब्रश की मदद से घी अप्लाई करेंगे. घी अप्लाई करने के बाद हम इस लेंथ को रोल करेंगे कुछ इस तरह से और एक राउंड शेप का पेड़ा बना लेंगे और इसे प्रेस करेंगे.
यदि साइड से छूटे तो उसे हम अगेन थोड़ा प्रेस कर सकते हैं एंड हमें इसे रोल करना है राउंड शेप में। बीच बीच में सूखा आटा लेकर हम इसे रोल करेंगे और राउंड शेप की रोटी जैसा बना लेंगे। और हमें इसे बहुत पतला नहीं बनाना है, इसे हम थिक यानी थोड़ा मोटा ही रोल करेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। रोल करने के बाद हम इसे तवे पे प्लेस करेंगे और ऐसे बीच बीच में पलट लेंगे। और यदि ये रेडी हो जाए थोड़ा तो हम घी अप्लाई करेंगे। दोनों साइड हमें घी अप्लाई करना है। ऐसे पलट के हम दूसरे साइड भी घी अप्लाई करेंगे। और यदि हमें क्रिस्पी लच्छेदार पराठा चाहिए तो स्पैचुला की मदद से हम उसे थोड़ा प्रेस कर कर के सेकेंगे। मलाबार पराठा को ऐसे स्पैचुला की मदद से प्रेस करके हम अच्छे से क्रिस्पी सेक लेंगे और इसे गरम गरम ही खाएंगे। देखिए ये रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं, है ना क्रिस्पी और लच्छेदार। गर्मा गर्म मलाबार पराठा तैयार है। ये मलाबार पराठा किसी भी करी और स्वीट चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। मलाबार पराठे का एक अपना ही स्वाद है। इसका लच्छा और क्रिस्पीनेस खाने के स्वाद को और भी बढ़ा देता है। ईट एंड एंजॉय। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल सैलेड एंड फूड को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ऐसी ही इनोवेटिव रेसिपीज की अपडेट आपको मिलती रहेगी। Stay tuned for the next recipe.